सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो पे जो रिएक्शन है वो हनी पाजी की जो एल्बम है ग्लोरी, उसके हम नेक्स्ट ट्रैक पे जो है रिएक्शन करेंगे। सो ये नेक्स्ट ट्रैक क्या, लास्ट के जो है दो ट्रैक रह गए हैं, जिसमें से एक गाने की जो है मुझे रिक्वेस्ट आई थी, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि इस गाने पे आप रिएक्शन करो। सो इस गाने का नाम है मजनू और इस गाने में यो हनी सिंह के साथ है जा मिला। सो हम इस गाने को चेकआउट करते हैं, इस गाने में क्या कुछ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। कदे घूमते तू पैरिस, कदे इटली, ते कदे बेबी घूमते मिलान। मुकड़े तो जदों ज़ुल्फ़ां हटावे शौड़ी, कले कले आशिकां दी कट दी तू जान। पट्टे ने मुंडा रॉकस्टार, कला पाता विच लैके उस टॉप दी रगान। गोरे मुकड़े ते काला काला दिल, हुसन मोरक्कन दी अरबी ज़ुबान। जदों लक लक चकाउंदी 24 कैरेट दे लक उत्तों तिलक के हिज़ाम। अक चक के जे वेख लवां सोहणियां नूं आशिकां दे लग जाणे किन्ने इल्ज़ाम। मैं कहां छड्ड दा इत्र, काले रंग दे ने नैण पाया काला काफ्तान। मैनू लगदी नी खैर उहदे शहर विच बण के हटूगी अज नवीं दास्तान। कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, बट मैंने जो है इस अरबिक को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। जो अरबिक थी उसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, बस जबकि जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया था वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हनी सिंह को ये बोल दिया है कि तू मेरा मजनू, बस मुझे एक ही लाइन ऐसा फील हो रहा था कि वो इस तरह का बोल रही होगी। बाकी बात करूँ इस गाने में जो बैकग्राउंड में जो बीट्स बज रहा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और ये जो एरोबिक जो कि यहाँ पर हनी पाजी लेकर आया है, इस तरह के साथ जो है कोलैब आई है जिस तरह से, वो हनी पाजी ही लेकर आ सकते हैं। क्योंकि इस एल्बम में, ओवरऑल इस एल्बम की बात कर रही हूँ, इस एल्बम में हर तरह के ट्रैक हमको सुनने को मिल रहे हैं और हमें जो है इस तरह का एरोबिक सुनने को मिला है पहली बार। तो ये एक प्राउड वाली फीलिंग है कि हाँ, हनी पाजी की वजह से जो है हम इस तरह का अरबिक बीट्स सुनने को मिला है, हमें इस तरह के लिरिक्स सुनने को मिले हैं। चाहे मैं समझ नहीं आया,
बट फिर भी हमें जो है एक एरोबिक जो मजा होता है वो सुनने के साथ साथ जो है फील करने को भी मिला है। सो डिफरेंट तरह का था, वो बात अलग है कि समझ नहीं आया, बट फिर भी जो है काफी ज्यादा मजा आया इसको सुनकर। और लास्ट तक वो जिस तरह का बीट चला ना, तो वो ऐसा हो गया था कि भाई हम मूवी देख रहे हैं और मूवी में कोई आइटम सॉन्ग चल रहा है, कहते ना सुनते ना जो साउंड कानों में बसता है, तो उस तरह का फील आने लग गया था। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये गाने का मजा है, एरोबिक हमें सुनने को मिला है, साथ ही साथ हमने फील भी किया उस चीज को, तो वो उसी तरह का फील आ रहा था। सो बस यही बोलना चाहूंगी, ये गाना जो है था वो काफी ज्यादा डिफरेंट, और साथ ही साथ जो है हनी पाजी के भी लिरिक्स जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे लगे। सो गाइस ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।